तो अभी तक हम इस टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। माना हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पहला है Z1 जो कि a प्लस आयोटा b के इक्वल है एंड दूसरा है Z2 जो कि c प्लस आयोटा d के इक्वल है। अब यदि हम Z1 में Z2 का डिवाइड करें, यानी कि हम Z1 अपॉन Z2 फाइंड करें, देन वी गेट a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। अब सिंस इस फाइनल नंबर में आयोटा यूज हो रहा है, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? आप अभी डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे रैशनलाइज करेंगे एंड उसके बाद हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। अब इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना हमें 2+3 आयोटा को 1+ आयोटा से डिवाइड करना है, यानी कि हमें 2+3 आयोटा अपॉन 1+ आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1- आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इनडायरेक्टली किया क्या है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है। अब इससे फायदा क्या हुआ है, तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ है। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5+iota/2। अब हम देख सकते हैं कि जो फाइनल आंसर हमें मिला है उसमें केवल एक ही आयोटा है, यानी कि अब मैं इस नंबर में बता सकता हूं कि कौन सा रियल पार्ट है एंड कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइज करने का फायदा क्या हुआ है। अब यदि मैं इसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करूं तो मैं इस नंबर को लिख सकता हूं 5/2+iota/2। एंड हम यहां से देख सकते हैं कि जो इस नंबर में रियल पार्ट है वह 5/2 है एंड इमेजिनरी पार्ट 1/2 होगा, क्योंकि आयोटा के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है।